आ, तो सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू ए पी फोर तो सर जो सिक्सटीन नवंबर में जो हमारे जो हर, जो हर मुती की जो आसाम ये रेंज फॉरेस्ट की तरफ से जो नोटिस जो सर्व कर रहे थे जो ना फिफ्टीन डेज़ का ये ये अल्टीमेशन दे के आपका लाइक ये बेलो लोड़ा बोका बस्ती हो गया और आपका जो गुमते पवन डिस्ट्रिक्ट में जो है ना तो इनके बारे सर आपका मतलब क्या राय है आपका तो मेरा नाम फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मैं अपना माने परिचय देना चाहता हूँ मेरा नाम तची दोनू है और मैं गुमतो विलेज से बिलोंग करता हूँ और मैं पपूम पड़े बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का मैं डिस्ट्रिक्ट यूनिट का मैं प्रेसिडेंट हूँ और उस दिन हमारा यहाँ में असम पोल से जो काउंटर पार्ट से हम लोग का यहाँ में पूरा जितना भी यहाँ में आपका बाउंड्री एरिया में लाइक आपका गुमतो से लेके आपका बुखा बेलो लोरा और किमिन ऐसे हो कि सब जगह में वो वो साइन बोर्ड लगा रहा है एवेक्शन करेगा बोल के अल्टीमेटम दिया है हम लोग को फिफ्टीन डेज का अंदर में जल्दी खाली करो घर को नहीं तो वो पूरा एवेक्सन करेगा बोल के तो ये बात सच में है कि नहीं हम मैंने जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैंने सोचा कि ये चीज़ सिर्फ गुमतों में हुआ है बोल के तो लास्ट में कुछ खबर आया तो सुना है सब जगह में हो रहा है बोल के तो आज हम लोग मेरा टीम का साथ मैंने विजिट किया आपका पर्स बुका में विजिट करके हम लोग बेलोल हो रहा है ऐसे किमिन होकर निकलना था तो हम लोग आज यहाँ विजिट किया यहाँ में आपका बुखा में हम लोग विज़िट किया था हम लोग वहाँ से अराउंड आपका सेवन ओ में हम लोग अराइव किया था तो ऐसे करते हुए हम लोग यहाँ दिक्काबुर्थ का जो कि जीवी है बूखा बस्ती का तो हम लोग यहाँ पहुँचा तो पहुँच के हम लोग जैसे ही चाय पानी दिया तो हम लोग खा पी रहा था तो उसी दौरान असम लोग वहाँ में आया विज़िट करने के लिए उसका से असम पोष का आपका ये लखीमपुर डेपो वो आया है यहाँ में आके पूरा यहाँ में ये कर रहा है बोलो छानबीन कर रहा है कहाँ में क्या होना है क्या नहीं एवेक्शन करेगा बोल के ऐसे टाइम में ही आया था तो हम दौड़ के गया तो पूछे तो वो बोलता है हमारा अपना एरिया का वो बोलता है अपना वो उसका जुड़ी देख सकनी पड़ता है बोल के वो ऐसे बोल के यहाँ में आया बोलता है और यहाँ में जितना पी एम जी वाइस रोड चल रहा है वो काम को भी रुकाया है रुका के पूरा गाड़ी का लेबर गाड़ी का जितना ये चाबी था चीना है और अरेस्ट करे बोल के पूरा गाड़ी ड्राइवर भाग गया ये तो मोदी का स्कीम है पी एम जी वाइस रोड तो सब बस्ती में कनेक्ट करने के लिए दिया है और असम पुलिस को क्या ये सब करने का भी राइट है क्या ऐसे तो नहीं है जहाँ तक हम लोग का नॉलेज में है और अभी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है और केस जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है नहीं हुआ है और हम लोग रुक रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ये को रिज़ल्ट को रुक रहा है उसी दौरान में तो हम लोग को एको इसे मेंटेंस करके हम लोग बेचना चाहिए था एक दूसरा को हम लोग ये करके सम्मान करके और सुप्रीम कोर्ट को ये ये करके रेस्पेक्ट देते हुए हम लोग रिजल्ट का इंतजार करना था ना कि हम लोग का असम असम लोग की ये ये करना है कि इलेक्शन करेगा ये करेगा ऐसे वन ऐसे ये सब नहीं देने से ठीक है और हमारा यहाँ में पब्लिक जितना भी बाउंड्री में पड़ा हुआ है जितना भी ये सेटलमेंट है वो लोग अभी पूरा दरा हुआ है तो मैं हमारा पेमा कान्डू सरकार से भी मैं दरखास्त करना चाहता हूँ कि और हमारा बावन पुलिस जी जो होम डिपार्टमेंट हैं आप लोग प्लीज़ काइंडली आप लोग इमीडिएटली आप लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए और आप लोग हाई लेवल जल्दी से डिस्कस कीजिए या तो कभी या तो ऐसे भी हो सकता है सिचुएशन असम में पार्टी लोग पारो लोग बता ले वैक्सीन करेगा उस समय हाथापाई होगा तो ऐसे मारपीट होगा उसमें बहुत कुछ हो सकता है इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कीजिए और आप लोग हाई लेवल ये से आप लोग ये मिला दीजिए ये चीज़ को तो तो सर आप लोग क्या ये क्या जो जो आपका जो 1891 का जो ये एक्ट है आसाम का ना आप लोग क्या मानते हैं क्या उससे उसको तो हम नहीं मानते हैं जो एटीन का उसको वो इसे इसको तो हम एकदम सरासर हम नहीं मानते हैं उस समय तो इंडिया आज़ादी नहीं हुआ है तो कैसे ये सब एक को लेकर अभी यहाँ घूम घूम रहा है ऐसे बोलने से तो हमारा तो हमारा जूरी एक्शन जो अरुणाचल का तो एकदम ब्रिटिश समय से बोलने से तो वहाँ भी ब्रह्मपुत्रों तक है हम लोग वहाँ तो क्लेम नहीं करते हैं ना क्लेम इन, सच में बोलने सच में सही माने में देखा जाए तो हमारा बाउंड्री तो ब्रह्मपुत्रों तक है उसमें भी हमारा ट्राइबल्स पीपल था हमारा परदाता लोग वहाँ भी रहता था हम लोग सुनने को आता सुनने को मिलता है अभी भी जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे यहाँ में सीनियर्स लोग हैं सीनियर सिटीजन हो बताता है हम लोग को कि ऐसे वहाँ तक हमारा ये था तो उसको हम लोग नहीं मानते हैं तो ऐसे करके ब्रिटिश समय में फिर कोई बोला कि लास्ट में असम सरकार लोग ने बोला कि जो रेलवे का पटरी है वहाँ से ये बाउंड्री ये होगा बोल के हम लोग रेलवे का पटरी के नीचे में असम है ऊपर अरुणाचल बोला है तो उसको भी क्रॉस करके असम और आगे चल बढ़ता गया लास्ट में राजगढ़ अली बनाया अभी उसको भी ये क्रॉस करके हम लोग ऊपर चेस 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 कर रहा है ऊपर ऊपर बगा रहा है हम लोग को पहाड़ तरफ क्या हम लोग को अधिकार नहीं है प्लेन एरिया में रहने के लिए वो लोग बोलता बोलता है कि असम लोग बोलता है कि हम लोग को पहाड़ में रहना है वो प्लेन एरिया जितना भी वोल्ड का है बोले ऐसे कौन सा लॉ में लिखता है कौन सा इंडिया का ये में है किताब में है हमको तो थोड़ा दिखाई असम को मैं ये पूछना चाहता हूँ तो सर ये आप लोग क्या ये क्या है जो हम बॉर्डर कम्युनिटी जो एक बार या में जो स्टेट में जो है ये का सेटअप किया था एक बार सर तो मतलब इनके बारे सर मतलब आपका क्या राय है सर तो हम तो वही कहना चाहता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है ना तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है तो उसको तो हम तो वो आओ तो मेरे ये कोर्ट में वो लोग डिसाइड करे वाला हम तो उसको इतना मेरा एज ए पर्सनली मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं तो उसको सहमत नहीं हूँ क्योंकि असम लोग ऐसे आदमी है गिरगिट का जैसे रंग बदलेगा अभी बोलता है कि बहुत स्टेट मिल के बाहर नहीं मिलाएगा कल को तो बाहर नहीं मिलाएगा फिर बोलेगा कि मिला के फिर वो अपना ये वो तो गिरगिट है ना अपना कलर चेंज करते रहेगा कब चेंज करेगा उसका तो गारंटी नहीं है तो हम तो सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वही जजमेंट करने से ठीक है मेरा पर्सनल राय है बाकी का तो हम पता नहीं लेकिन मैं ये सोचता हूँ तो तो कट कर देख तो फ़िलहाल अभी हमारे साथ में जो है आपका जो पम्पर हाँ यूनिट का जो बॉर्डर स्टूडेंट हाँ यूनियन का जो डी एस है हमारे साथ तो चलिए उसे जानने की कोशिश करते हैं तो सर आ, ए, एवरी ईयर एवरी मंथ जो असम हाँ फॉरेस्ट की तरफ से इस्पेशली हमारे जो ये पकमपार डिस्ट्रिक्ट में जो एवरी मंथ एवरी ईयर आती रहती है एवेक्शन के लिए सर तो इनका ऊपर सर आपका मर क्या राय है आपका तो एज ए बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन हम ये जो असम का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो एवेक्शन हम हर हर रोज हर साल करता है इसको इसका अगेंस्ट ऊपर में तो हम कंडेम करता है ये सरासर गलत बात है तो ये इसको हम जस्ट रेफरेंस लेके हम कुछ एक हम एज ए रेफरेंस आप आइए बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो ओज नेपा हमारा अरुणाचल असम का अंदर में था तो वेज जो अभी एक कल को सिक्सटीन में जो नोटिस तंगाया है उसमें एक लिखा है नाइनटीन एट्टी नाइन एटीन नाइन्टी वन का ये एक्ट को उनो अप कर रहा है वे इसकी नाइन्टीन एटी नाइन एक्ट को उन लोग नाइनटीन नाइनटी फाइव में अमेंडमेंट किया गया है तो नाइनटीन नाइन्टी फाइव अमेडमेंट को तो उससे पहले अमेंडमेंट नहीं होने से पहले असम हम लोग को अरुणाचल को इंक्लूडेंट करता था तो उससे हमारा लैंड का कोई डिस्प्यूट चलते रहता था जिस दिन जिस समय जो नेपाल जब सेपरेट हुआ ब्रिटिश इसे इंडियन गवर्नमेंट से जब इंडिया जब आज़ाद हुआ इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब आजाद हुआ आज़ाद हुआ उस समय जब नेपाल गवर्नमेंट में था उस समय नेपाल गवर्नमेंट से में असम गवर्नमेंट अथॉरिटी करता था असम गवर्नमेंट हर चीज़ को असम गवर्नमेंट चलाता था उस समय असम गवर्नमेंट हमारा अरुणाचल का लैंड को थ्री हंड्रेड कुछ ऑन रिकॉर्ड आपको बता देता हूँ आप सुनिए थ्री हंड्रेड थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट किलोमीटर वो ट्रांसफ़र किया नाइनटीन फिफ्टी वन कमेटी जो किया तो उसका तब भी हम लोग क्योंकि असम का अंदर में था हम लोग कुछ नहीं कर सकता है जब हम लोग को नाइनटीन जब यूनियन टेरेटरी जब डिक्लेयर कर दिया एज ए स्टेट अरुणाचल को यूनियन टेरेटरी डिक्लेर किया तब से हमारा जो गवर्नमेंट है जो हमारा ऑफिसर है उन लोग छानबीन करना शुरू किया तो 1979 में उन लोग को पता चला कि 900 हंड्रेड नाइन हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर असम गवर्नमेंट ने हम लोग का लैंड को ये क्या है ये है तो उसको नाइनटीन एट्टी थ्री में हाई पावर कमीशन बैठाया असम गवर्नमेंट का साथ डिस्कस किया असम गवर्नमेंट का साथ हाई पावर कमेटी डिस्कस किया नाइनटीन एट्टी थ्री में तो डिस एग्रीमेंट हो गया उस चला नहीं उसके बाद नाइनटीन एट्टी नाइन में फिर ये इसको असम गवर्नमेंट को फिर रिपि ये किया है अगेन पे रिन्यूअल किया ये चीज़ को डॉक्यूमेंट्स को फिर अरुणाचल गवर्नमेंट पे रिन्यूअल किया तब भी नाइन एट्टी नाइन में अरुणाचल गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट रिस्पॉन्स नहीं किया है अरुणाचल गवर्नमेंट को और रिस्पॉन्स ही नहीं किया है उसके बाद टू थाउजेंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया टू थाउजेंड सेवन से लेकर टू थाउजेंड फोर्टीन में जस्टिस तरुण चटर्जी को ये से वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से कमीशन फॉर्म किया उसका नेतृत्व में हेड ऑफ जस्टिस तरुण चटर्जी उसका साथ दो और कमेटी बना के उसको अरुणाचल और असम में भेजा गया तब जाके देखा है तो ऑन रिकॉर्ड ए जस्टिस तरुण चटर्जी का रिकॉर्ड में है हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट का क्लेम तो नाइन फिफ्टी सिक्स ही है लेकिन एज जस्टिस तरुण चटर्जी का रिकॉर्ड के मुताबिक हमको वन थाउजेंड वन हंड्रेड नाइनटीन पॉइंट टू स्क्वायर किलोमीटर गलत पाया गया है असम में हमारा लैंड को चोरी किया गया है ऑन रिकॉर्ड एज सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड के मुताबिक उतना चोरी किया गया है तो ये चीज़ को सुप्रीम कोर्ट को ये किया है हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस तरण चटर्जी कमीशन लोग सुप्रीम कोर्ट को समिट किया तो असम गवर्नमेंट उसको स्टे ऑर्डर लिया सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया तो ये एग्रीमेंट ये चीज़ को मन नहीं मानता है बोल के उसका बाद कांग्रेस गवर्नमेंट का समय में था तरुण तो गोगे का समय में था जब हेमंत बिश्व शर्मा आया है वो अगस्त थर्टीन का ये कहता टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का अगस्त थर्टीन में वो वो ये करता है कि जो ये असम और अरुणाचल जो बाउंड्री जो डिस्प्यूट है उसको हम गवर्नमेंट लेवल में नहीं कर सकेगा हम सीधा कोर्ट का बाडी का ऊपर में चलता है बोले और वो बोलते हैं कि हाँ और बोर्ड गवर्नमेंट समझ गया क्योंकि इंक्रोचमेंट नहीं करेगा दोबारा कोई किसी किसी का किसी आपस का टेरिटरी में इंक्रोचमेंट न्यू इंक्रोचमेंट नहीं करेगा तो और सी एम तो बोलता कुछ बोलता है उसका अगस्त का ये में और न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में वो नेशनल न्यूज़ है उसमें अगस्त थर्टीन में मिलने से वो मिल जाएगा वो आर्टिकल पूरा मिल जाएगा वो हेमंत तो बिस्व शर्मा क्या वर्ड बोला है वो मिल जाएगा तो वही हम लोग और अरेज ए अरुणाचल हम लोग तो बॉर्डर का जो सुप्रीम कोर्ट का जो को ऐसा मेंटेन करना है जो वर्ड है उसको हम लोग वर्डिक वर्ड को हम लोग मेंटेन करते आ रहे हैं क्योंकि ये इसको जस्टिफाई बाउंड्री डिमार्केशन ना हम एज ए बॉर्डर स्टूडेंट नहीं कर सकता है ना बॉर्डर का लोकेलिटी नहीं कर सकता है ये एज ए गवर्नमेंट बॉडी का ऊपर में है और सुप्रीम कोर्ट एज ए हायर अथॉरिटी है एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हायर अथॉरिटी है उसका मुताबिक जो भी बाउंड्री ये होगा उसके मुताबिक चलेगा और जो असम गवर्नमेंट बोलता है कि गूगल मैप को गूगल हम लोग गूगल को मानता नहीं है गूगल असम बाउंड्री को अरुणाचल बाउंड्री को डिमार्केशन नहीं कर सकता है ये आउट ऑफ कंट्री का एक प्राइवेट कंपनी का है उसको हम भी लेके अगर हम यहाँ से लखीमपुर में टमा देगा तो वहाँ में हमारा अरुणाचल का बाउंड्री बन जाएगा और एज पर ये का रिकॉर्ड एज ए ब्रिटिश गवर्नमेंट एज पर का नेपाल रिकॉर्ड हमारा जुनाई जोड़ा दिमाजी माजुली ये सब हमारा अरुणाचल में आता है अरुणाचल टेरिटरी में आता है तभी हम उसको क्लेम नहीं करते हैं हम जो क्लेम करता है जो नाइन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स स्क्वायर किलोमीटर जो असम गवर्नमेंट हमसे लिया है वही लेन को हम क्लेम करता है और वेर इज आज का जो ये हुआ है जो डिपो सा जो हम लोग आज थोड़ा ये हुआ है कल जो सिक्सटीन का नोटिस को लेके आज हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था तो ग्राउंड रिपोर्ट करने की जगह में हम असम लखीमपुर का डीएपो को मिला है उसमें हम लोग लोगों बीच में कुछ आर्गमेंट हुआ बात हुआ उसमें देपो साहब का वही बोलना है कि वो उसका जेरी जेरिजेक्शन है तो वेयर इज की सुप्रीम कोर्ट अरुणाचल गवर्नमेंट या में हर पोलिटली एज ए पोलिटिकली एज एडमिनिस्ट्रेटिव ये एरिया को अरुणाचल गवर्नमेंट टैकल करता है डेवलपमेंट वर्क हो या पोलिटिकली वर्क हो वोटर वोटर बोर्टल, वोटिंग राइट हो या तो एज ए क्रिमिनल अगर एक्टिविटी होता भी है या में हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट नहीं टैकल करता है उसमें वो विदाउट एंटीमेशन में आता है बिना नोटिस में बिना इंटीमेशन में हमारा ए को हमारा ओ सी को बिना इंटीमेशन में आता है आके वो बोलता है कि ये उसका जरूरीशन है इसको हम लोग कंडेम करता है और ये चीज़ को ये एक असम को हम लोग को इतना या दबाव देने का इतना असम का आदमी इजीली हम लोग का यहाँ में काउंटर इंट्री करता है इंटर करता है यह हमारा डिफॉल्ट स्टेट गवर्नमेंट का भी डिफॉल्ट है और एक, एक ये चीज़ है ये हमारा पर कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डिफॉल्ट है तो हमारा कंस्टिट्यूशन ऑफ तो इंडिया तो जो कंस्टिट्यूशन को बनाया है उन लोग का डिफॉल्ट है उन लोग कुछ कंसेशन बनाया नहीं है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको कंसेशन कमा के गया है वो कंस्टेशन को अमेंडमेंट को अभी तक उन लोग अमेंडमेंट को बना रहे है एक्ट को अभी तक अमेंडमेंट कर रहा है ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गलती है तो जो ये चीज जो असम जो यहाँ में इजीली एंट्री होता है ये हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट का भी डिफॉल्ट है हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट आज तक बॉडर इश्यू में कोई हला नहीं करता है ये हमारा अरुणाचल के लिए एज बीजेपी गवर्नमेंट या अरुणाचल गवर्नमेंट के लिए एक ये मैनिफेस्टो हो गया है पॉलिटिकल मैनिफेस्टो हो गया उन लोग इसको जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट जैसे राम मंदिर को जैसे पॉलिटिकली मैनिफेस्टो बनाता है वैसे अरुणाचल असम बाउंड्री को यहाँ का गवर्नमेंट अरुणाचल का गवर्नमेंट इसको पॉलिटिकली मैनिफेस्टो बनाता है उन लोग जब पॉलिटिक्स आता है इलेक्शन आता है वो बोलता है कि हम बाउंड्री क्लियर कर देगा लेकिन बाउंड्री जब हैपि होता है इफेक्ट होता है कुछ प्रॉब्लम होता है ना यहाँ का सीएम एम हालात बात करता है ना यहाँ का होम होम मिनिस्टर बात करता है ना यहाँ का फॉरन मिनिस्टर बात करता है फॉरेस्ट मिनिस्टर बात करता है कोई बात नहीं करता है इट इज़ द डिफॉल्ट ऑफ अरुणाचल गवर्नमेंट जो भी असम इजीली हम लोग को एंटर करता है तो ये उन लोग का डिफ़ॉल्ट है इसलिए हम अरुणाचल गवर्नमेंट को भी हम वही बोलते हैं अरुणाचल गवर्नमेंट तो एज पर रिकॉर्ड एज पर टाइम्स न्यूज का रिकॉर्ड हेमंत बिस्व शर्मा तो बोलते हैं कोर्ट का मुताबिक जाएगा लेकिन हमारा सीएम एम अरुणाचल में आके भाषण मारता है बोलता है कि हम आउट ऑफ कोर्ट में सोल्व करेगा जब आउट ऑफ कोर्ट में जब सोल्व कर रहा है तो कमीशन बनाया हुआ चार महीना हो गया तो चार महीना में अब तक रिपोर्ट सबमिट कम्प्लीट क्यों नहीं हुआ ये हम गवर्नमेंट तो ऑफ अरुणाचल प्रदेश को पेमाकंड गवर्नमेंट को हम पूछता है आज तक रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं हुआ कोई भी जो डीसी हो कोई भी ये हो एज पर स्टॉक होल्डर को आज तक मीटिंग क्यों नहीं बैठाया मीटिंग हाई लेवल में ए रूम में मीटिंग बैठने से चलता नहीं है आप इस्टोक होल्डर का जाके ग्राउंड रिपोर्ट में आके मीटिंग बैठना है ये स्टेट गवर्नमेंट का एक हमारा अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट का ये डिपोल्ट है ये एक ये चीज है और हम असम काउंटर पार्ट को हम उतना संदेश देता है जो भी असम लोकेली एज ऑर्गेनाइजेशन यूनियन एसोसिएशन वो सब मेरा आप कोई मेरा दोस्त है कोई मेरा ये है पहचान में है उन लोग को भी ये बोलता है हम अरुणाचल आदमी आपका आदमी को या प्यार से रखता है जैसे प्यार से चलता है वैसे चलने दीजिए अगर जरूरत ज़्यादा ही ज़रूरत होना शुरू होगा हम यहाँ से नौकरी तो क्या लेबर तो क्या नौकरी वाला को भी हमें रहने रहने नहीं देगा यहाँ से हम वैकेंट कराएगा ये हमारा फाइनल वार्निंग भी है एक फाइनल वर्ड भी है हम लोग इतना मजबूर मत करो कि हम लोग को अपना ये में लेवल में आने का मौका मत दो आज आज हम लोग डी को अच्छा ट्रेड किया है कभी दिन आएगा ये ट्रेड अच्छा नहीं हुआ आज हम लोग डिपो को ट्रेड किया है वेल ट्रेड किया है उसको इवन चाय पानी पिलाया है हर चीज़ हम लोग ट्रेड किया है डिपो को कुछ हम लोग मिसब्रेक नहीं किया है हम लोग सिर्फ वही पूछा है आपका ऑर्डर का है आपका रिटर्न ऑर्डर का है उसका पास कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं था उसका पास जो भी पोरेस्ट ऑफिसर आया था उसका बेच नहीं था इसलिए हम लोग में उन लोग को थोड़ा सा हम लोग में मिसअस्ट आगू हुआ है लेकिन ये चीज़ हम लोग दोबारा ये नहीं करेगा आप लोगों के पास भी पुलिस फोर्स है हमारा पास भी पुलिस फोर्स है हमारा पास भी मेन पावर है आप लोगों के पास भी मेन पावर है और जब तक हम आपको ये एक वार्निंग भी नहीं है एक हमारा संडे से हमारा अरुणाचल का कोई भी ट्रैवल असम में नौकरी नहीं करता है उसको पहले याद रखिए आपका असम का आदमी या बहुत ट्रैवल नौकरी करता है बिजनेस करता है लेबर करता है कल को हमारा भाईचारा उसमें अपेक्ट पड़ सकता है उसको असम गवर्नमेंट याद रखने से ठीक है और असम का जो भी यूनियन जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है उन लोग भी इसको ध्यान देने से ठीक है क्योंकि ये हमारा अरुणाचल अभी का नाइनटीन सेवेंटी टू का अरुणाचल नहीं है अभी नाइनटीन टू थाउजेंड वन का अरुणाचल है अभी हमारा हर चीज़ में एक्टिव हो गया है हर में एज एजुकेशन सेक्टर हो एज डेवलपमेंट सेक्टर हो जो भी सेक्टर में हम आगे निकल गए और हमको वो मत बोले कि नेशनल हाईवे हाईवे को हमेशा इकोनॉमिक ब्लॉकेज इकोनॉमिक ब्लॉकेज ये हम सुन सुन के बोर हो गया है इकोनॉमिक ब्लॉकेज आप कितना करेगा ये आपका असम का रोड नहीं है ये नेशनल हाईवे है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रोड है आप चाहे हमको हाईवे में आने मत दो हम एयरफिल एयर से लेके आएगा हमारे एयर दुनिया भर का जीरो में एयरफिल हो गया हर हमारे में एयरफिल हो गया सक्सेस हो गया है और अभी हमको इकोनॉमिक ब्लॉकेज को इकोनॉमिक डर को हमको मत दिखाओ ये इसे हम लोग धरने वाला भी नहीं है और हम लोग दिखाना शुरू करेगा असम में आपका रहने का जगह नहीं होगा ये हिमंत बिश्व शर्मा आप इसको यहाँ की इरादा किए आपका यहाँ का जितना लेबर हम लोग यहाँ से भेजना शुरू करेगा आप असम में आपका तंगी हो जाएगा इकोनॉमिक क्रस हो जाएगा क्योंकि आपका बैठने का आदमी जगह नहीं होगा इसलिए हम लोग को आपस में जो बाइक चला बेच रहा है उसको बैठने दीजिए और आज डेपो जो बोला है जो जो भी नोटिस दिया है उसको लीगली हटाएगा बोला है विद इन सेवन डेज़ का अगर में अगर असम उसको रोल बैक नहीं करता है हम अरुणाचल में कोई भी आसमिस आसम का ट्राइब को एंट्री करने नहीं एंटर परफॉर्म पा में कोई भी कहीं भी एंट्री करने नहीं देगा हम एबेक्शन करेगा उसमें हमारा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट साथ देना चाहिए जो भी हमारा लोकेलिटी हो जो भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव हो हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के आदमी है, वो हमको मदद करना पड़ेगा हमको साथ देना है हम लोग उनको ये नहीं है कि हम लोग बैलेंस करेगा वो नहीं है हम लोग एज डेमोक्रेटिक मोमेंट करेगा हम लोग इसको प्यार से वापस करेगा वापस भेजेगा असम गवर्नमेंट आपको खिलाना पड़ेगा हर चीज़ आपको उसका मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा हम लोग यहाँ से आपका घर में वापस भेज देगा हम लोग यहाँ में आप जब हमको प्यार ही नहीं करता है हम आप लोग आदमी को प्यार से रख के फायदा क्या है हम आपको रिटर्न बैक कर देगा इतना में हम असम गवर्नमेंट को हम ये बोलते हैं हेमंत विश्वास शर्मा उठना हम ये करते हैं जो भी असम का बंडोड़ा का बीच जो रेंजर है जो अभी नोटिस इशू करा है उसको भी बोलता है आपका भी कोई लोकली आपका कोई रिलेटिव्स अंडस्टर में नौकरी करता होगा बिजनेस करता होगा उन उसको भी सोचिए उसका भी कुछ प्रॉब्लम है पेट के लिए करते हैं वो सबको आप लोग याद में रखने से असम गवर्नमेंट लोग ठीक है और अरुणाचल गवर्नमेंट को हम वही बोलते हैं जल्द से जल्द आप कमेटी गठन कमेटी को ये को असम कंट्रोल पात से डिस्कस कीजिए हेमंत विश्व शर्मा को डिस्कस कीजिए और इतना अरुणाचल अभी बॉर्डर एरिया में बहुत सा पैनिक हो रहा है ये पैनिक होने मत दीजिए बाद में ताकि कम्यूनल व हो जाओ उतना होने मत दीजिए उतना हम अरुणाचल गवर्नमेंट से ये है दरकार से और अरुणाचल गवर्नमेंट को हम वही बोलता है हम लोग ए जे बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन अरुणाचल बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन और, और पापमपारी यूनिट हम लोग ऑलरेडी मेमोरियम सबमिट करके रखा हुआ है एवरी बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया में आउटपोस्ट पोस्ट बना हुआ बोल के विदिन नो जल्द से जल्द ये आउट बनाइए और हम ये भी पेमा कंड गवर्नमेंट को ये बोलता है आप इतना चेयरमैन बनाता है चेयरमैन को आप एलोनेस एलोनेस देता है पेमेंट देता है पीएसओ देता है वो पैसा को लेकर पुलिस थाना तो बनाइए हमारा का कोई पुलिस को थाना को भी तो पांचनिंग कर दीजिए हमको अरुणाचल में चेयरमैन का ज़रूरत नहीं है कितना आलू गुटी को क्या चेयरमैन बनाएगा आपका आलू का चेयरमैन होता है बैगन का चेयरमैन होता है ये जरूरी नहीं है हमको जो चेयरमैन जरूरी है जिस डिपार्टमेंट के लिए चेयरमैन जरूरी है उसको चेयरमैन दीजिए ना और अनादर जूट का चेयरमैन देकर क्या पाया जाए सिर्फ आपका कुर्सी बचाने का चक्कर में आप हर किसी को चेयरमैन देते रहेगा और हमारा आम आदमी का पैसा को आप उसमें इन्वेस्ट करेगा ये गलत बात है ये नहीं करना चाहिए आप उससे बेहतर आप बॉर्डर को ध्यान दीजिए बॉर्डर में पुलिस फोर्स आउटपोस्ट क्रिएशन कीजिए काकोई पुलिस फोर्स को जल्द से जल्द आप मार्सलिंग कर दीजिए और इतना है जो भी हम लोग का एक मेमोरियम तीन मेमोरियम हम लोग प्रवेश अमाउंट में सबमिट किया था उसमें से हमारा एक मेमोरियम सक्सेस हुआ है हमारा काकोई में सी ओ पोस्टेड कर दिया है इसके लिए हम अरुणाचल गवर्नमेंट को, को थैंक्स बोलता है जो भी हमको मदद किया इंटेलेक्चुअल हो पॉलिटिकल हो बूरो हो जो भी हमको किमिन या काकोई सर्कल एज ए पोर्टेंट में जो मदद किया उन सभी को भी हम थैंक्स बोलते हैं जो शो लाने में हमको मदद किए उसको थैंक यू बोलते हैं दिल से वो शुक्रिया अदा करता है हम लोग थैंक्स बोलने भी आता है और गली देने भी आता है और हम लोग को गली देने का मौका मत दो हम लोग को थैंक्स देने का मौका दो उतना में मसमत करता हूँ